हमारे दशरथ भाई हैं जो हमारे इस आयोजन को 15 जनवरी को देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं दशरथ बाबा? बहुत बढ़िया, बहुत। आप तो 200 साल से भाई खिला रहे हैं, ऐसा कोई है ही नहीं वाल्मीकि नगर में ऐसा आपके जैसा। धन्यवाद। हमारे बीच दैनिक वाल्मीकि बस के हमारे संजीव बाबू, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है भैया। हमारे यहाँ तो बोलेंगे नहीं सुकेश जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, अच्छा काम है जी। और हमारे कलाकार भाई कैसा लग रहा है? मेरे ओर से भी बहुत अच्छा, मेरे ओर से भी बहुत अच्छा है। अच्छा है। और हमारे आगरा वाले भाई जो लोगों को पानी पूरी खिलाते हैं, कैसा काम है ये? अच्छा है। और हमारे भिखारी भाई, आप ऐसा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, इतना सेवा कर रहे हैं गरीबों का, क्या क्या कर, खाना पीना सब, ओढ़ना पहनना सब दे रहे हैं। धन्यवाद भिखारी भाई। आइए हम सभी सहयोगी भाइयों को धन्यवाद देते हैं। है कोई भाई के लाल की बीआरएन जैसा कोई वाल्मीकि नगर में? एक से काले भी है लोग, हर आदमी, लेकिन इनके जैसा है। धन्यवाद दशरथ बाबू, आइए ऐसे लोगों से मिलते हैं, देख सकते हैं। सर ऊपर कीजिए बाबू, सर ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए माथा। हाँ, इनका नाम केदार है, इनका नाम ओरिजिनल नाम केदार है, खुद बताते हैं। और विगत कई वर्षों से रह रहे हैं ये भाई, नए नए आए हैं। 15 जनवरी 2023 की रात का नज़ारा। ये भाई विगत कई वर्षों से रह रहे हैं, पहले यह गनौली मंदिर में रहते थे और वहाँ शंकर भगवान की बूटी का सेवन करते थे। इमरान नाम है, इमरान। चलो अश्विनी बस के बुकर हमारे भाई, अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। इनकी अश्विनी बस भी हर दिन शाम 7 बजे वाल्मीकि नगर से पटना को जाती है, और हर दिन पटना से रात के 10 बजे खुलती है, पटना से वाल्मीकि नगर के लिए। कैसा लग रहा है ये सामाजिक काम? बहुत अच्छा काम लग रहा है आपके द्वारा। ये जो संस्था है बहुत अच्छा कर रहा है, जो गरीब है, जो मानसिक रूप से विकलांग है, उनके लिए आप डेली की तरह भोजन जो देते हैं, बहुत ही अच्छा विकार है। और यह आपको भगवान आपको और प्रगति दे। धन्यवाद। हमारे विजय बाबू भी मौजूद हैं, हमारे दशरथ भैया मौजूद हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वही तो कहे ना, वाल्मीकि नगर में कोई ऐसा नहीं है कि आज 10-15 वर्ष से ऊपर से एक एक आदमी को पागल को खिला रहे हैं लोग। यहाँ तो हजार तक बवाल मचाता है कि इतना मिलता है, वो मिलता है। अरे क्या मिलता है, हम लोग नहीं देख रहे हैं। अपने किसी को एक दिन खिला देगा खाना, बना के खिलाइए, कोई खिला नहीं खिलाएगा, कोई नहीं खिलाएगा। धन्यवाद दशरथ बाबू, चर्चा कर रहे हैं लगातार। मैं बताऊं, इनका छोटा रोजगार है और यहाँ पहले लगातार इनका सहयोग हर दिन मिलता था, और अभी भी ये हमारे सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ाते हैं। कोशिश है इस आर्थिक प्रतीक्षालय को ठीक ठाक किया जाए ताकि इन दिव्यांगजनों को कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद। वाल्मीकि नगर गोल चौक से हमारे सुकेश जी की रिपोर्ट।